कृष्णा क्रिएशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप लड्डू गोपाल जो थोड़े से काले पड़ जाते हैं या फिर जिनका जो कलर डल हो जाता है, तो उनको किस प्रकार से आप साफ करेंगे कि वो सोने की तरह चमकेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आज जो मैं उपाय आपको बताऊंगी वो बहुत ही सरल है और इसमें कुछ भी झंझट नहीं करना। बस 2 मिनट में आपके लड्डू गोपाल सोने की तरह चमकेंगे और आप भी कहेंगे कि वाह, अगर मुझे ये पता होता तो मैं पहले ही यूज़ कर लेती। आप इस ट्रिक से किसी भी पीतल, तांबे या के बर्तन या फिर कोई भी प्रतिमा को आप बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि वो कौन सा उपाय है। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो थोड़े से काले पड़ गए इधर से हल्के हल्के से। तो आप गुड़ का नाम तो आपने सुना होगा, ये गुड़ है। आपको किसी भी तरह का कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप गुड़ से लड्डू गोपाल को स्नान इस तरह से उनके पूरे बॉडी पर ना गुड़ को लगा दीजिए। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकती हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए, लेकिन मैं तुरंत इनका स्नान करवाऊँगी, मैं बिल्कुल इनको छोड़ूंगी नहीं। आप 10 मिनट के लिए छोड़ देंगी और फिर पूरे बॉडी को रब करेंगी ना, तो ये बहुत ही अच्छे से चमकने लगेंगे, क्योंकि गुड़ में ना एक अलग से ही खट्टापन होता है, जिससे कि अगर आमचूर पाउडर का ये काम भी करता है तो आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप लड्डू गोपाल को इस तरह से इसी गुड़ से स्नान करवाइए और अभी देखिए लड्डू गोपाल जी किस तरह से चमक जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये देखिए, मैंने इनको लगा दिया है, थोड़ा सा हाथ गीला करके इनको पूरी तरह से रब कीजिए, ऐसे ऐसे हल्के हाथों से करना है ताकि लाला को ना कोई तकलीफ ना हो और इनकी पूरी जो स्नान है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा कि इनके बॉडी पर ना चमक आने लग गई है। तो आपको किसी भी, ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, इससे लड्डू गोपाल बहुत ही आसानी से साफ हो जाएंगे या फिर कोई भी प्रतिमा है जो आपके घर में विराजमान है तो आप उनको बहुत ही आसानी से साफ कर लेंगे। आपको किसी भी तरह की झंझट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देख लीजिए आप, धीरे धीरे लड्डू गोपाल के स्किन पे ना लाइट आने लग गई है और ये देखिए मैंने उसको अच्छे से साफ भी कर दिया है, रगड़ भी दिया है और आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो बॉडी की शाइन है वो कितनी अच्छी से बढ़ गई है और ये कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं, बिल्कुल सोने की तरह चमकने लगे हैं ये हमारे लड्डू जी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे वीडियो और मैं भी आपके लिए और भी ला सकूं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इनको अच्छे से पोंछ करके भी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिख रहे हैं। ये देखिए, मैंने इनको टॉवल में ले लिया है और इनको अच्छे से पोंछ भी दिया है। अब आपको इनकी चारों तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी चमक जो है वो कैसी है। ये देखिए इनकी शाइनिंग चारों तरफ से आप देख पा रहे होंगे, इनकी जो शाइनिंग है कितनी बढ़ गई है।